गांधी जी जब गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे तो उन्हें वहीं इस बात की भनक लग गई थी कि ब्रिटिश सरकार भारत में मॉर्ले मिंटो सुधार की सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पर सवर्ण और असवर्ण हिंदुओं को बांटना चाहती है। गांधी जी ने उसी समय यह घोषणा कर दी थी कि अगर हिंदुओं को इस तरह विखंडित करने की कोशिश की गई तो वो इसका विरोध करने में जान की बाजी लगा देंगे। 11 मार्च 1932 को गांधी जी ने यरवदा जेल से वायसराय को पत्र लिखकर चेतावनी भी दी कि वो ऐसा कोई निर्णय लेने का प्रयत्न न करें। मैं अपने वचन पर आज भी टिका हूँ। किंतु 17 अगस्त को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड ने अपना कुख्यात सांप्रदायिक बंटवारा घोषित कर दिया। इसमें कथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन के अधिकार दिए गए थे। ये बात इतनी चालाकी से रखी गई थी कि यदि गांधी जी इसका विरोध करें तो लोगों में गलतफहमी पैदा हो जाए। किया ये गया था कि अस्पृश्यों को अनुपात से अधिक सीटें दी गई थी, साधारण सीटों में भी प्रतियोगिता का हक दिया गया था। गांधी जी ने 18 अगस्त को ही पत्र लिखा, यदि इस निर्णय को बदला नहीं गया तो मैं 20 सितंबर से आमरण अनशन शुरू करूंगा। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के इस निश्चय से विचलित हुए बिना ही सारे देश में अनशन की बात का प्रचार कर दिया ताकि लोगों में गलतफहमी फैल जाए। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के प्रसिद्ध समाजसेवी, पिछड़ी तथा दलित जातियों के उद्धारक और गरीब किसानों के हितचिंतक थे। डॉक्टर अंबेडकर को सन 1913 में बड़ौदा के महाराजा ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने भेजा था। उन्होंने सन 1916 में भारत में जाति भेद नामक प्रबंध लिखकर प्रोफेसर गोल्डेन के सामने पढ़ा। फिर उसी साल भारत की अर्थव्यवस्था पर एक प्रबंध लिखा जिस पर कोलंबिया विश्वविद्यालय ने उन्हें पीएचडी की डिग्री प्रदान की। सन 1917 में डॉक्टर अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रवेश लिया। फिर सन 1918 में भारत लौटने पर वो बंबई के एक कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद 1923 में डॉक्टर अंबेडकर ने बंबई में बैरिस्ट्री शुरू की। सन 1924 में उन्होंने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। यहीं से उनके अछूतोद्धार आंदोलन का श्री गणेश हुआ। इस आंदोलन के मुख्य कार्यक्रम थे उस समय के अछूत कहे जाने वालों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए छात्रालय की स्थापना करना, सांस्कृतिक विकास, वाचनालय तथा अभ्यास केंद्र चलाना, औद्योगिक तथा कृषि स्कूल खोलना, अस्पृश्यता निवारण के आंदोलन को गतिशील बनाना। जब लंदन में पहली गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल हुए थे। वहाँ उन्होंने भारत के दलित लोगों की ओर से कहा, हमारी जनसंख्या हिंदुस्तान की जनसंख्या का 5वां भाग है, लेकिन हमारे इन भाइयों की हालत गुलामों से भी बुरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के राजनीतिक संरक्षण के लिए एक ज्ञापन पेश किया जिसमें पृथक निर्वाचन संघ तथा सुरक्षित सीटों की मांग की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर की यही मांग महात्मा गांधी से उनके मतभेदों का कारण बनी। 15 अगस्त 1931 को दोनों नेताओं के बीच इस विषय पर बातचीत भी हुई पर परिणाम कुछ नहीं निकला। दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भी ये मतभेद बना रहा। तब ये सोचा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो उचित समझें अपना फैसला दें। और 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने अपना फैसला सुना दिया तो गांधी जी ने अनशन करने की घोषणा कर दी। 20 सितंबर से महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में अपना आमरण अनशन शुरू कर दिया। इससे सारे देश में चिंता फैल गई। जवाहरलाल नेहरू उस समय नैनी जेल में थे। गांधी जी के आमरण उपवास की खबर पाकर वो अत्यंत भावुक हो उठे थे। वो सोचने लगे, अगर बापू मर गए तो हिंदुस्तान की हालत क्या होगी और उसकी राजनीतिक प्रगति का क्या होगा। मुझे भविष्य सूना और भयंकर दिखने लगा।
और जब मैं उस पर विचार करता था तो मेरे दिल में एक निराशा सी छा जाती थी। गांधी जी के आमरण अनशन की प्रतिक्रिया स्वरूप पंडित मदन मोहन मालवीय ने तत्काल पुणे में एक मीटिंग बुलाई। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी बुलाया गया। अन्य नेताओं में मुकुंद राव जयकत, तेज बहादुर सप्रू और राजगोपालाचारी प्रमुख थे। मुकुंद राव जयकर समाज सुधारक, शिक्षा शास्त्री और नरम दल के नेताओं में से थे। वो बड़े ही तटस्थ और संतुलित विचारों वाले व्यक्ति थे। तेज बहादुर सप्रू उन दिनों के महान विधि विशेषज्ञ और बुद्धिजीवी थे। मुकुंद राव जयकर और तेज बहादुर सप्रू ने कांग्रेस और सरकार के बीच अनेक कानूनी मुद्दों को सुलझाया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान बुद्धिजीवी और राजनेता थे। वो गांधी जी के भक्त और कांग्रेस के कर्मठ सेनानी थे। पुणे में इन तमाम लोगों के साथ हुई बातचीत के परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ, जिसे पुणे पैक्ट कहा गया। गांधी जी ने भी इस निर्णय को संतोषजनक समझा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी इसे 26 सितंबर को स्वीकार कर लिया। उस दिन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर गांधी जी से मिलने गए थे। पुणे पैक्ट पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्वीकृति का समाचार आने पर गांधी जी ने गुरुदेव के हाथ से नींबू पानी पीकर अपना व्रत समाप्त किया। इसके बाद महात्मा गांधी ने सरकार से अनुमति मांगी कि उन्हें अस्पृश्यता निवारण के कार्य हेतु जेल से ही हरिजन नामक पत्रिका निकालने की अनुमति दी जाए। सरकार ने उनकी ये मांग मान ली और हरिजन पत्रिका का प्रकाशन शुरू हो गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को पूरी तरह दबा देना चाहती थी। दमन चक्र और गिरफ्तारियों का दौर अभी चल रहा था। उसे जैसे ही पता चला कि कांग्रेस अपने अगले अधिवेशन की तैयारी कर रही है, तो सबसे पहले 4 जनवरी 1933 को कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सन 1911 में कांग्रेस के सदस्य बने थे। वो गांधी जी के संपर्क में सन 1917 में आए, जब गांधी जी चंपारण में नीले गोरों द्वारा किसानों पर होने वाले अत्याचारों की जांच करने गए थे। गांधी जी ने आत्मकथा में लिखा है, ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की जोड़ी तो बेजोड़ थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे ऐसा अपाहिज बना दिया कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। और राजेंद्र बाबू पर उस दौरान गांधी जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके जीवन और रहन सहन में क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। वो पूरे त्याग और समर्पण से स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। असहयोग आंदोलन के दौरान राजेंद्र बाबू ने वकालत छोड़ दी। सन 1921 में राष्ट्रीय विद्यालय बिहार विद्यापीठ खोला, जिसका उद्घाटन गांधी जी ने किया था। सन 1922 में कांग्रेस अधिवेशन के बाद राजेंद्र बाबू कांग्रेस के महासचिव बने। इस दौरान वो कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों का खूब प्रचार करते रहे। जब सन 1925 और 1927 में महात्मा गांधी ने बिहार का व्यापक दौरा किया, तो राजेंद्र बाबू उनके साथ रहे। जीरादेई गांव पहुंचने पर गांधी जी ने उसे राजेंद्र बाबू का जन्म स्थान होने के कारण तीर्थ स्थान कहा था। सन 1930 में नमक सत्याग्रह के दिनों में राजेंद्र बाबू बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में जन जागरण लाने के लिए राजेंद्र बाबू ने अनेक स्थानों का दौरा किया, सभाएं की और सत्याग्रह के लिए लोगों को तैयार किया। नमक सत्याग्रह की घोषणा होते ही बिहार के अनेक स्थानों में हजारों लोगों ने सत्याग्रह में भाग लिया और बदले में ब्रिटिश सरकार ने उन पर लाठियां और गोलियां बरसाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। भागलपुर जिले के विहपुर नामक स्थान में पुलिस ने सत्याग्रहियों पर निर्दयता से लाठियां चलाई। राजेंद्र बाबू और अन्य नेताओं ने इसका विरोध किया तो उन्हें भी पीटा गया। राजेंद्र बाबू तो जख्मी हो गए थे। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार करके 6 महीने की सजा सुना दी गई। फिर सन 1932 में सत्याग्रह के दौरान
राजेंद्र बाबू को गिरफ्तार किया गया। इस बार भी 6 महीने की सजा दी गई और उन्हें अभी जेल से छूटे 6 महीने हुए थे कि कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते एक बार फिर पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन अप्रैल 1933 में कांग्रेस ने अपने निश्चय के अनुसार कलकत्ते में अधिवेशन की तैयारी शुरू कर दी। ये अधिवेशन चौरंगी और धर्मतल्ला के चौराहे पर आयोजित किया गया था, इसलिए इसे चौराहा अधिवेशन भी कहा गया। ब्रिटिश सरकार इस अधिवेशन को किसी भी कीमत पर नहीं होने देना चाहती थी। अधिवेशन के सभापति इस बार भी पंडित मदन मोहन मालवीय होने वाले थे। उन्हें आसनसोल में गिरफ्तार कर लिया गया। इतना ही नहीं, अधिवेशन में भाग लेने के लिए जो 2200 प्रतिनिधि देश के तमाम हिस्सों से आ रहे थे, उन्हें रेलों और बसों से जबरदस्ती उतारकर गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भी करीब आधे प्रतिनिधि अधिवेशन में पहुंच गए और श्रीमती सेन गुप्ता के सभापतित्व में अधिवेशन शुरू हो गया। ठीक इसी समय पुलिस ने प्रतिनिधियों पर आक्रमण कर दिया और भीषण लाठीचार्ज हुआ, किंतु लाठियों की मार सहते हुए भी कांग्रेस के शांत प्रतिनिधि उस समय तक बैठे रहे जब तक कि सारे प्रस्ताव पास नहीं हो गए। ये प्रस्ताव थे, सत्याग्रह आंदोलन को मजबूत बनाया जाए, विदेशी वस्त्रों के बॉयकॉट की अपील देशवासियों से की गई थी, गांधी जी को अनशन की सफलता के लिए बधाई दी गई थी और स्वराज्य के लिए कराची अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव के प्रति आस्था प्रकट की गई थी। पुलिस के दमन ने अधिवेशन में काफी गड़बड़ी फैला दी। तमाम प्रतिनिधियों और श्रीमती सेन गुप्ता को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि कांग्रेस का ये चौराहा अधिवेशन गिरफ्तारियों के लिए सदा याद किया जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने भारत में आतंक फैलाने की पूरी कोशिश की और चाहा कि कांग्रेस छिन्न भिन्न हो जाए। 8 मई 1933 को गांधी जी ने आत्मशुद्धि और प्रायश्चित करने के लिए 21 दिन का उपवास शुरू किया। तब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें ये कहकर जेल से छोड़ दिया कि उनका उपवास अस्पृश्यता निवारण के लिए है। जेल से छूटकर गांधी जी ने तुरंत एक वक्तव्य जारी किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन अस्थाई रूप से बंद कर दिया जाए। इस पर देश भर में लोगों ने गांधी जी के इस निर्णय पर असंतोष जाहिर किया। क्रांति दल के नेता और कांग्रेसी नेता दोनों ही गांधी जी के इस फैसले पर नाराज हुए। उस समय वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल आंदोलन स्थगित करने के विरोध में एक संयुक्त वक्तव्य जारी करके कहा था, गांधी जी ने तो सत्याग्रह स्थगित कर दिया, ये एक तरह से इस बात को सिद्ध करती है कि वे नेतृत्व नहीं कर सकते। हम लोग इस निश्चित मत पर पहुंच चुके हैं कि एक राजनीतिक नेता के रूप में गांधी जी विफल रहे हैं। समय आ गया है कि कांग्रेस को एक नए सिद्धांत पर संगठित किया जाए। इसके लिए एक नए तरीके तथा एक नए नेता का उद्भव जरूरी है। गांधी जी ने सरकार से ये भी कहा, वे इस आंदोलन को स्थगित कर सकते हैं, किंतु शर्त यह है कि राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, खान अब्दुल गफ्फार खान आदि प्रमुख नेताओं को छोड़ दिया जाए। किंतु सरकार ने गांधी जी की ये अपील ठुकरा दी। धीरे धीरे सविनय अवज्ञा आंदोलन एक तरह से समाप्त हो गया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर M.S. अणे काम कर रहे थे। उन्होंने पूना में प्रमुख नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया और ये तय हुआ कि सार्वजनिक रूप से सत्याग्रह न किया जाए। हाँ, गांधी जी ने ये अनुमति दे दी है कि यदि कोई चाहे तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कर सकता है। इधर गांधी जी ने फिर लॉर्ड विलिंगडन से बातचीत करने का प्रयत्न किया, पर लॉर्ड विलिंगडन इसके लिए तैयार नहीं हुए। तब गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 1 अगस्त से शुरू करने की घोषणा कर दी। उन्होंने साबरमती आश्रम भंग कर दिया और आश्रम वासियों से कहा, आप सब कुछ होम करके व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए तैयार हो जाएं।
किंतु सत्याग्रह शुरू होने के पहले ही यानी 31 जुलाई की रात गांधी जी और उनके 34 आश्रमवासियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहासकार लिखते हैं कि इस समय न सिर्फ कांग्रेस बल्कि पूरा स्वतंत्रता आंदोलन बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा था, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत उसे प्रभावहीन बनाने के लिए कठोर से कठोर कदम उठा रही थी।